महानगर पालिका मुख्यालय में उस समय कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही जब शिवसेना ने रैग पिकर को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में महानगर प्रमुख प्रमोद वानमोड़े और शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल का मानना था कि भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में कचरे से कबाड़ अलग कर आजीविका चलाने के लिए मनपा द्वारा 400 रैक पिकर को अधिकृत किया गया, किंतु अब बायोमाइनिंग के नाम पर इसी तरह की प्रक्रिया करने के लिए जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी टेंडर जारी किया गया। कंपनी की ओर से बाहरी लोगों को लगाकर ये काम किया जा रहा है, जबकि स्थानीय रैक पिकर रोजगार से वंचित रह रहे हैं। अतः भूमि पुत्रों को रोजगार देने की मांग उन्होंने की। चर्चा के दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि शहर का कचरा भांडेवाड़ी में जमा किया जाता है, जिसमें से कचरे पर प्रक्रिया करने से पहले उसे कबाड़ अलग किया जाता है। इसके बाद बायो माइनिंग भी आसान होती है, यही कार्य रैक पिकर करते हैं। कबाड़ चुनकर इसके सहारे कई परिवारों की आजीविका चलती है, किंतु कचरा संकलन करने वाली बीवीजी और एजी एनवायरो कंपनियों द्वारा पहले ही कचरे से कबाड़ चुनकर बेच दिया जा रहा है, जिससे रैक पिकर्स की आजीविका खतरे में पड़ गई है। कचरा संकलन कंपनी को ये कार्य प्रणाली बंद करने के सख्त निर्देश देने की मांग महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी से की गई। चर्चा के दौरान शिष्टमंडल ने कहा कि बदबूदार कूड़े में कार्य करने के कारण इन लोगों और परिवारों पर स्वास्थ्य का खतरा मंडराता रहता है। महानगर पालिका की ओर से इन्हें सुरक्षा किट मुहैया कराई जानी चाहिए, साथ ही प्रति माह सभी का मेडिकल चेकअप करने की मांग भी की गई। चर्चा के उपरांत मनपा आयुक्त ने डॉक्टर गजेंद्र महल्ले को सभी मांगों पर तुरंत अमल करने के निर्देश दिए। भांडेवाड़ी वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका द्वारा अधिकृत तकरीबन 500 रैक पिकर, जिनको कचरा चुनने वाला बोलते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं जो 3 दशकों से काम करते हैं। उनके दादा, उनके पिताजी और वो खुद काम कर रहे हैं, जो कि कचरे विलगीकरण में सहायता करते हैं और शहर को स्वच्छता बिना किसी मजदूरी के उनको नागपुर महानगर पालिका ने ऑथराइज़ किया हुआ है। ऐसे लोगों को जो सिग्मा बायोमाइनिंग कंपनी है जो कचरे का डिकम्पोजिशन करती है, उस कंपनी ने कुछ लोगों को प्राइवेट बाहर प्रदेश के लोगों को रखा है। ऐसे में जो सरकार का नियम है भूमि पुत्रों को रोजगार देने का, तो इन व्यक्तियों को, इन रैक पिकर्स को वहाँ पर लिया जाए, पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये है कि वो गंदे में कम से कम वहाँ पे कचरे डंप में लगातार 10 घंटा काम करते हैं। ऐसे रैक पिकर्स का मेडिकल हेल्थ चेकअप नियमानुसार 1 महीने बाद किया जाए। वो लोग खाली हाथ रहते हैं, उनकी वजह से वो इन्फेक्टेड होंगे, उनका परिवार इन्फेक्टेड होगा। गंदे कचरे में काम करते हैं जीविकापार्जन चलाने के लिए, तो उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट दी जाए। और एजी और बीवीजी जो कचरा संकलन कंपनियाँ हैं, ये कचरे को पहले से उसका कबाड़ चुनकर उसको बेचकर उसके कामगारों द्वारा बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जीविकापार्जन खतरे में है। तो महापौर, मनपा आयुक्त और जो डॉक्टर महल्ले साहब हैं यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि उन कंपनियों को, कचरा संकलन कंपनियों को निर्देश दिया जाए कि शहर का मूल कचरा, वास्तविक कचरा डंप में इकट्ठा हो। इस प्रकार से इस पूरे विषय को रखें कि जिसको शहर से स्वागत किया है मनपा आयुक्त साहब ने, भी दादा कृष्ण साहब ने इस पर बहुत पॉजिटिविटी जताई है। तुरंत मेडिकल हेल्थ चैम्पर कल से शुरू हो जाएगा उन बच्चों का, तुरंत उनको किसी एनजीओ के माध्यम से, बाकी माध्यम से उनको पीपी किट देने का आश्वासन हो गया और सभी चीज़ों की मांग ली गई है। वहाँ पर इनके प्रतिनिधि भी थे जो रैक पिकर्स थे, और ये डेलीगेशन आदरणीय मानमुड़े जो महानगर प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में, आदरणीय दुष्यंत चतुर्वेदी जी के साथ और नगर सेविका मंगला गौरी जी नागपुर महानगर में, इनकी उपस्थिति में किया गया। नहीं देखिए, कुछ भी नहीं हुई है। जब इतना रोष होता है तो सबसे पहले तो प्रशासन के अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि जब हम कचरे के व्यक्तियों को यहाँ लेकर आएँ शांति से डेलीगेशन के लिए, तो पुलिस में भी रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो है तो हम कार्यकर्ताओं को समझा देंगे।